ब्राजील डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव रविवार की सुबह गोरखधाम ट्रेन से परिवार के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद समर्थकों और खिलाड़ी प्रेमियों ने गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ओलंपिक में टीम चैंपियनशिप में बैडमिंटन के कुल 8 खिलाड़ियों के साझा प्रयास से टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, जिसमें आदित्य का भी अहम योगदान रहा है। आदित्य ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में भी प्रतिभाग किया था। सामने देखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। करो एक करो, हंसो थोड़ा सा, थोड़ी यहाँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आदित्य के पिता व अन्य खेल प्रेमियों ने बताया। मेरी बिटिया ने मेडल जीता है, बहुत खुश है हम लोग, सारे लोग आए हैं, इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है। और हम ऐसे ही चाहेंगे कि इन बच्चों का भी हम हौसला अफजाई बढ़ता रहे। कितनी मेहनत करती थी ये गेम के लिए, कितना मेहनत करती थी, श्रेय किसको देते हैं? ये श्रेय सारे लोगों को जाता है, हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन, हमारे स्कूल, हमारे हर सोसाइटी, जितने लोगों ने हर संभव सब लोगों ने अपने अपने तरह से इस बच्ची को प्रमोट किया है। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया है, तो अपार खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि कुमारी आदित्य यादव, जो कक्षा छात्र श्री विक्रम चंद मूकबधिर विद्यालय की छात्रा है, आज गोल्ड मेडल प्राप्त की है। मुझे अपार खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है आज देख करके स्टेशन पर, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, पूरा गदगद हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि हमारी आदित्य यादव, जो हमारे श्री विक्रम चंद मूकबधिर विद्यालय की छात्रा है, जो आज गोल्ड मेडल प्राप्त की है, मुझे अपार खुशी हुई। बहुत मेहनत करती थी यह बेटी, कला में भी रुचि रखती थी और बैडमिंटन में तो नंबर वन है। सर, सबसे पहले तो पूरा हिंदुस्तान बधाई का पात्र है हमारी इस बिटिया के चलते, और गोरखपुर के लिए गौरव का पल है। हमारे पास ये 3 साल से मेरी बच्ची खेल रही है और कभी भी इसका मुकाबला लड़कियों से हुआ ही नहीं है। बहुत मेहनती और बहुत शानदार बच्ची है, और अभी आगे देखिए, ये पैरा जीत के आई है, इस बार वो नॉर्मल बच्चों में जीत